हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेरी फ्लावर टावर दिखाऊंगी जो 100% सक्सेसफुल हुआ है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ये लगाया है, और लगा के भी आज दिखाऊंगी मैं डेमो। और ये फ्रेंड्स मोसरोस और पोटूला का प्लांट को लगाया है मैंने फ्लावर टावर में। और ये एक सीमेंट बैग है जो वेस्ट मटेरियल से मैंने फ्लावर टावर बनाया है सीमेंट बैग में। फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों को मिट्टी भर के लेना होगा इस बैग में, और कोई ड्रेनेज होल नहीं करना है ड्रेनेज होल। फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे लगाया है। पहले तो आपको कटिंग्स ले लेना है और फिर होल बनाना है छुरी की मदद से। यहाँ पे छुरी और कटिंग्स की ज़रूरत है। फिर आपको कटिंग्स को अंदर डाल देना है, इस तरह से रख देना है, फिर ये कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे लगा सकते हो घर पे। और पोर्टुला का और मोसरोस 100% सक्सेसफुल होता है, कटिंग्स और फ्लावर टावर भी सक्सेसफुल होता है। मैंने पहली बार फ्लावर टावर बनाया है और मुझे 100% सक्सेसफुल मिला है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी। और जब ये पूरा फैल जाएगा, जब ब्रांचेस निकलेंगे इसके, तो और भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहली बार ट्राई किया है इसको, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे फ्लावर टावर सक्सेसफुल हुआ है। सारे कटिंग्स सक्सेसफुली ग्रो कर गए हैं और कुछ ही में फ्लावर भी खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, मैंने प्लास्टिक बोतल में भी पोटूला सॉरी मोसरोस लगाए हैं, और इसमें फ्लावर बच आ रहे हैं फ्रेंड्स। और ये वंडरिंग जो है, इसको भी मैंने प्लास्टिक बोतल में लगाए हैं हैंग करके। और ये टेंगल हार्ड वाइन और पोटूला का को भी मैंने लगाया है फ्रेंड्स। और कुछ कटिंग्स मैंने यहाँ से भी लिया है फ्लावर टावर में। आप भी प्लास्टिक बोतल का ऐसे यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, देखो कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर